डियर, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि ग्राउंड वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल क्या है, कहाँ से ग्राउंड वाटर जो है कोई भी प्लांट जो है पानी को एब्जॉर्ब करता है, इसके बारे में डिस्कस किया। अब इसी टॉपिक में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जो कि है पर्ज्ड एक्वीफर। पर्ज्ड एक्वीफर एक एक्वीफर का ही एक पार्ट है या कह सकते हैं टाइप्स है, जो कि रीजनल वाटर टेबल जो होता है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर हमें देखने को मिलता है। मान लिया कि कोई रीजन्स में वाटर टेबल है 10 मीटर डेप्थ पे है ना, 10 मीटर की गहराई पर जो है वाटर टेबल अवेलेबल है, तो उससे थोड़ा सा ऊपर जो पानी की मात्रा हमें मिलती है, एक्वीफर मिलता है, वाटर टेबल के ऊपर जो एक्वीफर मिलता है उसे पर्ज्ड एक्वीफर कहते हैं। होता क्या है, कई बार आप जब बोरिंग करने जाते हैं या करवाने जाते हैं तो आप देखे होंगे कि एक खेत मान लो यहाँ पे है और एक खेत यहाँ पे है। इस खेत में 107 मतलब मान लो कि 7 मीटर पे ही जो है आपको क्या मिल गया, पानी मिल गया, तो आप सोचे कि अरे यार ये तो पानी मिल गया बहुत अच्छा है, और ये गया ये इसको जो है मान लो 11 मीटर पर इसको पानी मिला है ना, इसको वाटर टेबल कहाँ पे मिला, 11 मीटर पे, लेकिन 7 मीटर पे ही मिल गया तो वो खुश हो गया। तो इसका जो 11 मीटर वाला है इसका परमानेंट वाटर टेबल रहेगा रीजनल वाला, बट ये जो है परमानेंट नहीं रहेगा, इसमें जब तक पानी स्टोर रहेगा तब तक काम करेगा और उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा तो वो चलना बंद हो जाएगा। तो आप देखे होंगे कि कई सारे जो मोटर्स वगैरह या पंपिंग जो धसवाते हैं है ना, तो कई जगह पे पास में ही है, उसका मोटर चल रहा है, आपका मोटर नहीं चल रहा है, जब बारिश होगा तो आपका चलेगा, उसका तो हमेशा चलते रहता है। तो इस तरीके का जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है ये होता है पर्ज्ड एक्वीफर के कारण, क्योंकि वहाँ पे वो वाटर टेबल एक्चुअली है नहीं, बट वो वहाँ पे स्पेस रहा, स्पेस खाली था, इसलिए पानी इनफिल्ट्रेट करके वहाँ पे जाके स्टोर हो गया, और वो पानी जब तक काम था तब तक आपका मोटर चला या आपका यूज हुआ, और जब ख़त्म हो गया तो आपका यूज होना ख़त्म हो गया। इसलिए थोड़ा सोच समझ के भी जो है आपको बोरिंग करवानी चाहिए। ये जो पर्ज्ड एक्वीफर है ये आकर होता है व्हेन देयर इज़ अ इम्परमिएबल लेयर ऑफ रॉक्स और सेडिमेंट जो कि एक्वीक्लूड होता है, या फिर रिलेटिवली इम्परमिएबल लेयर्स जो कि एक्वाटार्ड हो एबव द मेन वाटर टेबल बट बिलो द लैंड सरफेस। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला आपको, ये वाटर टेबल के ऊपर तो रहता है और जो लैंड सरफेस है उसके नीचे रहता है, और वो एक एरिया होता है जहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है इन्फिल्ट्रेट करके परमिएबल करके, तो वो हमारा पर्ज्ड एक्वीफर जो है कहलाता है। उसके बाद अगला जो टर्म है वो है इन्फ्लुएंट स्ट्रीम। इन्फ्लुएंट स्ट्रीम क्या है, तो इन्फ्लुएंट स्ट्रीम जो है रिवर्स का एक स्ट्रीम है जिसमें हम लोगों को पानी जो है वाटर मिलता है ग्राउंड वाटर से रिवर्स के थ्रू, तो वो हमारा इन्फ्लुएंट स्ट्रीम कहलाता है। इन्फ्लुएंट स्ट्रीम्स आर द स्ट्रीम्स विच गेट्स द देयर वाटर फ्रॉम द ग्राउंड वाटर, है ना, ग्राउंड वाटर में जो वो वहाँ से मिलता है। इन्फ्लुएंट स्ट्रीम्स आर कॉमन इन टेम्परेचर टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट, है ना, कॉमन होता है टेम्परेचर्स में ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में, एंड जनरली बिकम बोथ वाइडर और डीपर डाउन स्ट्रीम ड्यू टू इंक्रीज डिस्चार्ज। जो डिस्चार्ज होता है इसका हाई होने के कारण से, है ना, ये वाइडर स्पेस लेता है और डीपर डाउन स्ट्रीम इसका जो है होता है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो मिसिपी रिवर्स, अमेजोन रिवर्स, इन सभी का जो वाटर का स्ट्रीम होता है ये हाई होता है, जिसके कारण से इनको इन्फ्लुएंट स्ट्रीम हम लोग कहते हैं। इन्फ्लुएंट ये क्या था, इफ फ्लुएंट था और ये था इन्फ्लुएंट। इन्फ्लुएंट जो है ये मोस्ट कॉमनली होता है अराइड क्लाइमेट्स जहाँ पे अवेलेबल होता है,
इसमें जो है हमारा नहीं ज़्यादा डीपर या वाइडर डाउन स्ट्रीम जो है देखने को नहीं मिलता है। और इसमें ग्राउंड में जो है क्या होता है, सीपेज होते रहता है धीरे धीरे, जैसे नील, कोरेडो रिवर्स, ये सभी आपके आ जाते हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है एक्वीफर प्रॉपर्टीज़। तो एक्वीफर प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें सबसे पहला आपका आता है पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होता है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल, है ना, जो भी सॉइल सैंपल लिए उसका। तो अगर पोरोसिटी 20% से ज़्यादा है तो लार्ज होगा हमारा एक्वीफर, और अगर 5-20 है तो मीडियम, और 5% से कम है तो स्मॉल हमारा होगा। स्पेसिफिक एल्ड, स्पेसिफिक एल्ड क्या होता है, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वाटर का, डैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाई द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर मटेरियल इज कॉल्ड स्पेसिफिक एल्ड। स्पेसिफिक एल्ड क्या होता है कि जो वॉल्यूम, जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से, तो ग्रेविटी फोर्स के कारण से। किसके कारण से, ग्रेविटी फोर्स के कारण से। और वह जो है यूनिट वॉल्यूम जो है क्रिएट हो जाता है एक्वीफर मटेरियल का, तो उसे जो है स्पेसिफिक एल्ड कहा जाता है। लोग तो बात करेंगे स्पेसिफिक रिटेंशन के बारे में। तो स्पेसिफिक रिटेंशन क्या है, इसका मतलब होता है कि कोई एक्वीफर में कितना पानी वो होल्ड करके रख रहा है, यानी फ्रैक्शन ऑफ वाटर हेल्ड बैक इन द एक्वीफर, यानी एक्वीफर में पानी को कितना वो होल्ड करके रख रहा है उसी को जो है स्पेसिफिक रिटेंशन कहा जाता है, जिसको SR से इंडिकेट किया जाता है। किससे इंडिकेट किया जाता है, SR से। पोरोसिटी इज एन अमाउंट ऑफ पोरस स्पेस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर मटेरियल इज कॉल्ड पोरोसिटी। एक एक्वीफर मटेरियल जो है उसमें जो अमाउंट ऑफ पोरस स्पेस है पर यूनिट वॉल्यूम, उस अमाउंट को ही जो है पोरोसिटी कहा जाता है इन द टर्म ऑफ हाइड्रोलॉजी। वे पोरोसिटी इज इक्वल टू जो एल्ड, स्पेसिफिक एल्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन, ये दोनों का समेशन होता है। वो दोनों को जब सम करते हैं तो हमारा पोरोसिटी निकल कर आता है। डार्सीज लॉ, डार्सी लॉ क्या कहता है कि मान लो कि कोई सॉइल है, है ना, तो सॉइल के मान लो एक सैंपल लिए, ये कुछ लेंथ उसका लेकर चले कि एल लेंथ है, ये इसमें जो है वाटर फ्लो कर रहा है, तो इस तरफ से अगर वाटर इन कर रहा है, यहाँ पे मानकर चलो इन हो रहा है, तो इसके अदर साइड्स में वाटर आउट भी होगा, है ना। क्यों आउट होगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ पोरस पार्ट होंगे जिसके थ्रू वाटर जो है फ्लो करेंगे और पास करेंगे। तो V इज इक्वल टू के आई फॉर्मूला होता है, वेयर I इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकालने के लिए हम लोग जो है DH बाई DS या फिर H बाई L फॉर्मूला हम लोग जो है यूज करते हैं। Q इज इक्वल टू के ए आई, डार्सीज लॉ जो है वो वैलिड होता है वेन जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो लेस देन इक्वल टू 1 होता है, अगर इससे कम है तो ही वैलिड होता है, अदरवाइज वैलिड नहीं होता है। सो रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला होता है रो यानी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम वी इनटू डी बाय म्यू इक्वल टू वी डी बाय म्यू यू। तो यू जो है ये यू बाय डेंसिटी यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ओके, वर्क पोर वेलोसिटी क्या होता है, तो वी नोट इज इक्वल टू वी बाई एन फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की मदद से आप निकाल सकते हैं कोफिशियंट ऑफ परमिबिलिटी के, के इज इक्वल टू सी डी एम स्क्वायर गामा बाई म्यू। यहाँ पे जो वर्क पोर वेलोसिटी है कि भाई कोई भी सॉइल सैंपल है वो अगर वर्क है तो उसमें कितने पोर्स हैं और उसके थ्रू वाटर कितने फ्लो कर रहे हैं, वो वेलोसिटी आपका यहाँ पे हो जाएगा।
डीएम जो है मीन पार्टिकल साइज ऑफ पोरस मीडियम, सी इज शेप फैक्टर, और गामा इज यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, म्यू इज डायनेमिक विस्कोसिटी। ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो कन्फाइंड ग्राउंड वाटर फ्लो, तो इसमें अगर स्टेडी, अनस्टेडी, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक है तो इक्वेशन हमारा होगा डी स्क्वायर एच बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एच बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एच बाई डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस बाई के इंटू डी एच बाई डी टी। ये डिफ्यूज़न इक्वेशंस है जो कि कन्फाइंड ग्राउंड वाटर फ्लो को निकाला जाता है इस इक्वेशंस की मदद से, जहाँ पे एस एस इंटू बी इज इक्वल टू एस, टी इज इक्वल टू के बी, एस एस इज इक्वल टू एस बाई बी एंड के इज इक्वल टू टी बाई बी। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो वही फाइनली हमारा ये वाला बस वैल्यू जो है चेंज होगा, जो कि यहाँ पे क्या था एस एस बाई के, तो यहाँ पे एस बाई टी हमारा आ जाएगा। ये चीज़ स्टडी फ्लो के लिए अगर करेंगे तो डी स्क्वायर एच बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एच बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एच बाई डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। वन डायमेंशनल फ्लो के लिए जो डी स्क्वायर एच बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होता है, अगर हम लोग वन डायमेंशन फ्लो के लिए बात करते हैं तो। लेकिन नॉर्मली जो स्टेडी फ्लो होता है उसके लिए डी स्क्वायर एच बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एच बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एच बाई डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब ये क्यों लिए, क्योंकि देखिए वन डायमेंशन फ्लो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो एक्सिस है ये इस तरीके का हमारा होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो यहाँ पे जो हम लोग फ्लो लेंगे वो किसी एक ही एक्सिस के अलोंग लेंगे, तभी तो वो वन डायमेंशन कहलाएगा ना। या तो हम लोग इसका ये विड्थ ले लें, है ना, मान लो कि हमारा ये एक ऑब्जेक्ट है, ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इसमें हमारा ये क्या है, हाइट है, ये क्या है मान लो विड्थ है, और ये जो है हमारा लेंथ है। तो देखो या तो विड्थ रहेगा तो लेंथ और ब्रेथ नहीं रहेगा, मतलब रहेगा बट बहुत ही कम रहेगा, क्या रहेगा बहुत ही कम रहेगा। अगर हाइट हाइट रहेगा तो, अगर ब्रेथ रहेगा तो हाइट और लेंथ जो है बहुत कम होगा, यानी ना के बराबर होगा, है ना। होगा तो कोई भी अगर 3D ऑब्जेक्ट अगर वो है तो उसका कुछ ना कुछ हाइट लेंथ और ब्रेथ होगा, ओके। बट यहाँ पे वन डायमेंशन के बारे में बात किया जा रहा है, तो वन डायमेंशन यानी कोई एक डायमेंशन इतना बड़ा होगा, इतना ज़्यादा होगा कि एज कंपेयर टू दोज टू पार्ट्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट्स, तो उसको जो है हम लोग यहाँ पे लेकर चलेंगे। अब बात करते हैं कन्फाइंड ग्राउंड वाटर फ्लो बिटवीन टू वाटर बॉडी, किसके बीच में, दो वाटर बॉडीज के बीच में। तो ये मान लो दो एक वाटर बॉडीज है, इन दोनों के बीच में जो है हमारा जो है टू कन्फाइंड है ना, ये कन्फाइंड एक्विफर है, ओके। एक तरफ का हाइट एच वन है, एक तरफ का हाइट एच नॉट है। जो लेंथ है कन्फाइंड एक्विफर का ये है एल, ओके। सो यहाँ पे डी स्क्वायर एच बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, सो एच इज इक्वल टू सी वन प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू। इफ़ एक्स इज इक्वल टू जीरो सो एच इज इक्वल टू एच नॉट एंड देन एच नॉट इज इक्वल टू सी इन टू जीरो प्लस सी टू। सो यहाँ पे एच नॉट इज इक्वल टू सी टू एंड इफ़ एक्स इज इक्वल टू एल देन एच इज इक्वल टू एच वन देन एच वन इज इक्वल टू सी एल प्लस सी टू। इट मीन्स सी वन इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एच नॉट माइनस एच वन बाई एल। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डार्सीज़ लॉ के अनुसार क्यू इज इक्वल टू माइनस के बी डी एच बाई डी एक्स एंड एच इज इक्वल टू एच नॉट प्लस ब्रैकेट माइनस एच वन माइनस एच टू बाई एल इंटू एक्स।
क्या होगा इंटू एक्स। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो गड़बड़ है वो है आपका ये भी ब्रैकेट के अंदर रहेगा, ओके क्या रहेगा ब्रैकेट के अंदर रहेगा। अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं रहेगा तो यहाँ पे फिर इसको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है इसको प्लस आपको करना पड़ेगा, ओके तो यहाँ पे ये भी ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ पे ये बाहर में आ गया। तो डी एच बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एच नॉट माइनस एच वन बाई एल, दिस विल फाइनली वी कैलकुलेटेड, ओके ये चीज़ समझ में आ गया। सो क्यू इज इक्वल टू माइनस के वी इंटू एच माइनस एच वन, फिर यहाँ पे ब्रैकेट छूट गया, यहाँ पे ब्रैकेट जो है बहुत ज़्यादा छूटा है। सो क्यू इज इक्वल टू के वी इंटू एच नोट माइनस एच वन बाई एल, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कैलकुलेट करके ये फॉर्मूला हमारा एक तरीके से बन गया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपका ए कन्फाइंड हॉरिजॉन्टल एक्वीफर ऑफ थिकनेस 15 mm एंड परमिएबिलिटी जो है के इज 20 meters पर डे कनेक्ट्स टू रिजर्वायर एम एंड एन सिचुएटेड 1.5 kilometers अपार्ट। द एलिवेशंस ऑफ द वाटर सरफेस इन द रिजर्वायर एम एंड एन मेजर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द एक्वीफर आर 30 meters एंड 10 meters रिस्पेक्टिवली। इफ द रिजर्वायर एम इज polluted by the contaminated suddenly, how long will it take to contaminated to reach the reservoir n? Assume small n is equal to 0.3। तो ये आपका मान कर चलो कि एक रिजर्वायर है और ये हमारा जो है एक्वीफर है, ठीक है यहाँ पे ये इसका जो लेंथ है वो है 1500 meters और हाइट जो है एक्वीफर का 15 meters, ओके और वन साइड 30 meters एंड सेकेंड साइड जो है 10 meters है ना, थोड़ी ये लेंथ जो है ऊपर नीचे होना चाहिए बट यहाँ पे हो नहीं पाया है, ओके तो आप इसको ये कर सकते हो, इसको पहले मिटा सकते हो, ओके पहले इसको मिटा दो और उसके बाद यहाँ से इसको ड्रॉ कर लो, एक मिनट इसको मिटाना पड़ेगा, इसका पेन को ये बड़ा करने दो, ओके तो दिस इज एक मिनट यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे, ओके और ये मान लो यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ तक ये है 10 meters, ये कितना हो गया 10 meters आपका यहाँ पे जो है हो गया, ओके तो अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, राइट यहाँ पे क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो एच नोट इज इक्वल टू हो जाएगा 30 + 15 इज इक्वल टू 45 एंड एच वन इज इक्वल टू हो जाएगा 10 + 15 इज इक्वल टू 25। सो ग्रॉस वेलोसिटी वी इक्वल टू के इंटू एच माइनस एच नोट बाई एल इक्वल टू 20 × 45 माइनस 25 / 1500। सो 0.267 meters पर डे, ये क्या आ जाएगा हमारा ग्रॉस वेलोसिटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ग्रॉस वेलोसिटी जो है हमारा यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। वी नोट इज इक्वल टू कैपिटल वी बाई एन, सो वी बाई एन तो वी है 0.267 बाई 0.3 इज इक्वल टू 0.89 meters पर डे, ये क्या आ जाएगा हमारा वी नोट आ जाएगा, है ना क्या आ जाएगा वी नोट आ जाएगा। एंड देन टाइम
टेकन इज इक्वल टू 1500 बाई 0.89 इक्वल टू 1685.39 डेज लगेगा। इसको अगर ईयर्स में अगर चेंज करें तो 365 से डिवाइड कर देंगे, इट मीन्स 4.61 ईयर्स यानी 4.5 साल अप्रॉक्स जो है यहाँ पे कंटामिनेट होने में उसको लगेगा। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अनकन्फाइंड फ्लो बाय ड्यूपिट्स एजम्पशन। ड्यूपिट एजम्पशंस की मदद से हम लोग जो है अनकन्फाइंड फ्लो के बारे में बात करेंगे। तो ड्यूपिट्स साहब ने क्या क्या एजम्पशंस लिया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ड्यूपिट्स साहब ने बताया कि जो कर्वेचर है फ्री सरफेस का वो बहुत ही छोटा होगा। क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा, सो दैट द स्ट्रीम लाइन्स कैन बी एज्यूम टू बी हॉरिजॉन्टल एट ऑल सेक्शन। उन्होंने क्या लिया कि जो फ्री सरफेस है उसको स्मॉल लिया, जिसके कारण से जो स्ट्रीम लाइन बनेगा वो हॉरिजॉन्टल बनेगा सभी सेक्शन में, चाहे वो कहीं पे भी किसी भी तरीके का सेक्शन हमारा हो वह ऐसा हम लोग लेकर चलेंगे। और दूसरा एजम्पशन इन्होंने लिया कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो इक्वल होगा फ्री सरफेस स्लोप के। किसके? फ्री सरफेस स्लोप के, एंड डज नॉट वेरी विद डेप्थ, और उसकी जो गहराई होगी उसके से वो कोई इफेक्ट उस पर नहीं पड़ने वाला होगा। सो हियर फॉर्मूला इज डी स्क्वायर एच बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एच बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एच बाई डी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दिस विल बी द फॉर्मूलाज, दिस विल बी इवेल्यूएटेड कैलकुलेटेड बाई ड्यूपिट्स एजम्पशंस में भी यही फॉर्मूला जो है एज्यूम किया और वो जो है कैलकुलेट किया इस तरीके से। ओके तो इन्होंने जो है डेल एम एक्स का जो वैल्यू निकाला वो निकाला एम एक्स वन माइनस एम एक्स टू इक्वल टू माइनस डी इंटू डेल वी एक्स एच डेल बाई इंटू डेल एक्स बाई डी एक्स एंड डेल एम बाई इज इक्वल टू मिलाएगा आपको माइनस डी रो बी वाई एच डेल एक्स इंटू डेल वाई बाई डेल वाई। तो ये आपका जो है यहाँ पे निकलेगा डेल एक्स प्लस डेल वाई इज इक्वल टू जीरो। सो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉपर तरीके से तो फाइनली हमें जो वैल्यू मिलेगा डी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई डी एक्स डी स्क्वायर एक्स प्लस डी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एच इज इक्वल टू जीरो जो है हमें मिलेगा। अनकन्फाइंड फ्लो विद डिस्चार्ज, मतलब डिस्चार्ज के साथ अनकन्फाइंड फ्लो क्या होगा? तो रिचार्ज रेट जो है आर मीटर पर मीटर क्यूब है। सो डेल एम जेड इज इक्वल टू रो आर डेल एक्स डेल बाई डेल एम एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा जो ऊपर आपको ड्यूपिट्स साहब के द्वारा जो एजम्पशन लिया गया और उसमें जो हम लोगों ने कैलकुलेशंस किया वही चीज़ें यहाँ पे डेल एक्स डेल एम एक्स और डेल एम एम बाई निकलेगा। एंड यहाँ पे जो है आपका डेल एम एक्स प्लस डेल एम बाई प्लस डेल एम जेड इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। सो वी एक्स इज इक्वल टू माइनस के डी एच बाई डी एक्स एंड वी वाई इज इक्वल टू माइनस के डी एच बाई डी वाई आपका जो है हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे मिलेगा डी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई डी स्क्वायर एक्स प्लस डी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई डी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस टू के बाई आर। वन डायमेंशन अनकन्फाइंड फ्लो विद डिस्चार्ज, अगर अनकन्फाइंड फ्लो है वन ही डायमेंशंस के लिए है तो यहाँ पे जो है वो आपका मिलेगा आपका डी स्क्वायर
डी एच बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, डिवाइड लाइन जो आएगा ए इज इक्वल टू एल बाई टू माइनस के बाई आर इंटू एच नोट स्क्वायर माइनस एच वन का स्क्वायर बाई एल। सो यहाँ पे जो जनरल इक्वेशंस आएंगे, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ क्यू इज इक्वल टू माइनस के ए आई, सो माइनस के एच डी एच बाई डी एक्स। तो यहाँ से जो हमारा डिस्चार्ज निकलेगा वो क्यू एक्स इज इक्वल टू आर इंटू एक्स माइनस एल बाई टू प्लस के बाई टू एल इंटू एच नोट का स्क्वायर माइनस एच वन का स्क्वायर यहाँ पे जो है हमें मिलेगा। इसमें हम लोग क्यू नोट निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो उसका अलग फॉर्मूला आएगा, और क्यू वन निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल टू एल, तो क्यू वन जो है यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो ये अलग अलग फार्मूलेज है, आप डायरेक्टली जो देखिए यहाँ पे क्या है, आप जनरल फार्मूला याद रखेंगे तो अदर फार्मूला आपको जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज़ एज पर रिक्वायर्ड, जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार।